हेलो फ्रेंड्स, मैं तन्नू। मेरा चैनल यमी रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्रॉन का मसाला करी, जिसके लिए मैंने सामग्री लिया है। 500 ग्राम प्रॉन लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने बारीक काटा है, गार्निश के लिए धनिया, 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है, मसाले में लिया है लहसुन, अदरक, 1 तेज पत्ता, 2 इलायची, 4-5 काली मिर्च, 2-4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा। ये सब का हम मसाला बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। अभी थोड़ा कढ़ाई को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम ऑयल डालेंगे। अभी हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें प्रॉन फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अभी हम प्रॉन को फ्राई करेंगे। इसमें हम अभी 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 सा नमक, 1/2 अच्छे से प्रॉन को फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में हम प्रॉन को पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से हमारा प्रॉन जो है फ्राई हो जाए। अभी हमारा प्रॉन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हम इसमें जीरा और 1 तेज पत्ता डालेंगे तड़के में। जीरा चटक चुका है, अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए अभी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, क्योंकि हमने हल्दी झींगा फ्राई करते समय भी थोड़ा सा डाला था। अभी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जो मसाला मैंने आपको दिखाया था इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अभी हम टमाटर का प्यूरी डालेंगे। जो टमाटर मैंने काटा था उसको अब मैंने प्यूरी बना लिया। टमाटर और मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक हमने प्रॉन फ्राई करते समय डाला था, इसीलिए
आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। मसाला को ढककर 5 मिनट हो गया है। अभी देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम उसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके चलाएं। अभी हम प्रॉन को डाल, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम प्रॉन मसाला बना रहे हैं। अभी हम प्रॉन डाल दिए हैं, अभी हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए करी को ढककर 5 मिनट हो गया है। हमारा प्रॉन मसाला करी बनकर रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम कटोरी में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मेरा प्रॉन्स मसाला करी बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसको गरम गरम जीरा राइस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो गरम गरम पराठा रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी आप सबको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।